और 5 महीने के दौरान ही ये गाड़ी 13,000 किलोमीटर चला दी गई है। ऐसा मुझे नो डाउट ये नहीं लगा, मैंने बलेनो बेच के इसको, मेरा नुकसान मुझे कुछ नहीं मिला। और ग्राउंड क्लियरेंस? अरे कोई जवाब ही नहीं है। तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना भाई, इसके आगे नेक्सॉन भी फैल है, 160-170 स्पीड में खूब भगाया है। बलेनो अगर 140 भगा लेना, उस पर ब्रेक मार देना, ऐसे ऐसे मटकती है। इसका मतलब नहीं था मुझे, इसका मतलब था प्रोजेक्टर LED चाहिए थी। चलो अब ये गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, कुछ कमियां बताओ जरा। कमियां बहुत सारी हैं, जैसे थोड़ा दिखा दो व्यूअर्स को क्या दिक्कत है। ये मैं एक चीज थोड़ी थोड़ी झटके लेती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़े झटके लेती है। रुती एक ऐसी अकेली गाड़ी है, चूचू चूचू नहीं कर, और बलेनो करती थी। हाँ अरे भाई साहब, उसका गॉड गिफ्ट भाई, अगर जो बंदा स्विफ्ट लेने जा रहा है मारुति की, एक बार इस गाड़ी को पहले चला के घुमा के डीलर से बोलते मैं 10 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लूंगा। बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं है, केवल ब्लोअर की आवाज है। गाड़ी ने ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 8-6 कट्टे मेरी गाड़ी में रखे थे। ग्राउंड अच्छा है इस गाड़ी का, चलाने में अच्छी है, बढ़िया है, ऊंची है, बोर्ड दिखता है मुझे सामने से। जो बंदा 6.5 लाख का 7 लाख का बजट है ना, एक बार इसको देख ले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी भरी वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज हमारे पास फिर से है इग्निस, और ये जो इग्निस है आपको पता है कि हमारे फ्रेंड की है। अभी 5 महीने पहले ही इस गाड़ी को लिया था, और 5 महीने के दौरान ही ये गाड़ी 13,000 किलोमीटर चला दी गई है। तो इस गाड़ी को मैंने भी काफ़ी चलाया है, दिल्ली वगैरह भी मैं ले गया था इसको, काफ़ी अच्छे से मैंने जो है चलाया हुआ है। और इससे पहले की जो इग्निस थी हमारे पास दूसरी, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ की, वो इग्निस भी मैंने काफ़ी चलाई, करीब 1,500 किलोमीटर चलाई थी, और उत्तराखंड की ट्रिप वगैरह की थी। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों, 5 महीने में ही भाई ने 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिए। तो हमारे साथ में जो है ब्रिजेश है, जो कि इस गाड़ी का ओनर है। आपको पता है कि ये गाड़ी हमने जो है 5 महीने पहले ली थी। तो आज हम इस गाड़ी का पूरा जो है डिटेल रिव्यू करने वाले ओनर से, और साथ में जानेंगे कि अभी तक का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ में। और आपको पता हुआ कि ब्रिजेश जो है उसने बलेनो बेच के ये गाड़ी ली थी। तो ब्रिजेश को बुलाते हैं फ्रेम में। तो ये ब्रिजेश, और ब्रिजेश क्या हाल है? बस बढ़िया है, बंसी वाले। तो ये गाड़ी ब्रिजेश ने ली थी 5 महीने पहले, और 13,000 किलोमीटर प्लस चल गई है। तो मैं थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ ब्रिजेश कि गाड़ी कितनी चल गई है ना। तो आप यहाँ देखेंगे MID में, देखिए 13,162 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो आज हम जानेंगे कि 5 महीने में जब ये गाड़ी इतनी चला दी है, तो अभी तक इनको इसमें क्या कमी लगी और कैसा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें फुल डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्रिजेश ये बताओ कि 5 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है इग्निस के साथ में, कैसा रहा है? देखिए एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ, मारुति गाड़ी है, मारुति का प्रोडक्ट है, तो नो डाउट अच्छा है, ये मैं नहीं कहूँगा बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। नहीं जैसे आप बलेनो को बेच के इस पर आए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक है। अगर बिल्ड क्वालिटी बारे में तो ठीक ठाक है, चलाने में अच्छी है, ऐसा मुझे नो डाउट ये नहीं लगा, मैंने बलेनो बेच के इसको, मेरा नुकसान मुझे कुछ नहीं मिला लगा इसको। मतलब आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब 5 महीने में आपने 13,000 कर दी। हाँ और आपको पता ही मैं यूट्यूबर हूँ, किस वजह से नॉर्मल रनिंग चलती रहती है, गाड़ियों की काम है, जैसे आप भी हो, आपने भी गाड़ी इस चीज़ के लिए ली है, तो वही चीज़ है। अच्छा, और ये बताओ जैसे बलेनो को बेच के इस पे आए थे, तो बलेनो ज़्यादा सही लग रही थी आपको चलाने में कि ये ज़्यादा सही लग रही है? देखो बलेनो एक अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। नहीं तो ये बलेनो को बेच के आए थे ना, आगे आओ जरा, उसी का कंसर्न बता, आगे आओ थोड़ा। हाँ उसी की चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ। देखो बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, ये क्रॉसओवर SUV है, अर्बन SUV जो बोलती है मारुति, जो XYZ मानते हैं वो बोलती है। देखो एक बलेनो क्या था, बलेनो आपको पता है टीन का डब्बा एक प्रसिद्ध नाम बन चुका था बलेनो का। अच्छा यह टीन का डब्बा नहीं है ना? देखो टीन का डब्बा मारुति के सारे हैं, ऐसा नहीं है, सारे मत बोलो यार, सारे सारे मत बोलो, एक आध गाड़ी है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वो बीवर जी समझ गए होंगे एक आध गाड़ी कौन सी है ना। तो नहीं तो बलेनो से बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अच्छी है ना, ठीक ठाक है। हाँ ये नो डाउट है, अगर बलेनो 5 है ना, 3-5-6 स्टार। तो बलेनो से इसमें प्लस पॉइंट बताओ ना कुछ, अगर आप बलेनो बेच के आए तो आपको क्या प्लस पॉइंट लगता है इस गाड़ी में? मुझे प्लस पॉइंट कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा, बलेनो और ये बराबर ही लग रही है, बराबर ही लग रही है, राइडिंग क्वालिटी हैंडलिंग क्वालिटी में सब सेम ही लगा। अच्छा इंजन का जो रिफाइनमेंट सब सेम ही, रिफाइनमेंट सेम ही लगा, सेम ही, स्मूथ नहीं है ये ज्यादा? नहीं मुझे नॉर्मली लगा, अगर बलेनो स्विच पे स्विच करेगा इंसान तो हालांकि थोड़ा नॉर्मल। और ग्राउंड क्लियरेंस? अरे कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर कैसे कह रहे हो आप? नहीं अब देखो ग्राउंड क्लियरेंस अलग सेगमेंट हो गया,
और राइडलिंग और हैंडलिंग अलग सेगमेंट हो गया, ये चीज है। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करो ना भाई, इसके आगे नेक्सॉन भी फैल है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नेक्सॉन का 200 mm का 200 एक्चुअली क्या बजट वाइज देखा जाए तो गाड़ी तो काफी सही है, लेकिन अगर बलेनो से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस आपको कम मिलेगी, फीचर कम मिलेंगे। तो ओवर तो मैक्सिमम आपने ट्रिप कितनी किलोमीटर की है इसके साथ? पहली ट्रिप की मैंने आपके साथ ही की थी, दिल्ली की थी, फर्स्ट टाइम ट्रिप आपके साथ की थी। और एक ट्रिप जब मैंने ली थी इसको, जब मैं पहली ट्रिप खुद लेके गया था इसको दिल्ली, और दूसरी ट्रिप मैं तीसरी ट्रिप मैंने मतलब मैक्सिमम कितना चलाया एक दिन में? एक दिन में मैंने मैक्सिमम 400 किलोमीटर बस मतलब खुद ने ड्राइव किया 400 किलोमीटर खुद ने किया, ठीक है 400 किलोमीटर। और एक बार की बताऊं, और हाई स्पीड में मतलब स्टेबिलिटी की लोग बोलते हैं ना ऊंची गाड़ी स्टेबिलिटी कैसी है? 160 170 स्पीड में खूब भगाया है। मैंने ही भगाई है। आपने भगाई? हाँ सॉरी, आप दोनों हम दोनों साथ में थे तो सॉरी, आपने भगाई है तो मुझे इस पे स्टेबिलिटी कोई इशू नहीं है। मतलब बलेनो से सही लगी मुझे, मैंने भगा के देखा था इसको। बलेनो अगर 140 भगा लेना, उस पर ब्रेक मार देना, ऐसे ऐसे मटकती है। सही बात है, आप समझ ही गए होंगे ये चीज है। अच्छा ये बताओ, तुमने ये टॉप मॉडल लिया था जी, तो लगता है कि वर्थ है? देखिए मुझे, मैं टॉप मॉडल दो तीन चीजों से मैंने लिया है। सबसे मेन चीज की लाइट से और इसकी ओनली अपनी ऑटोमेटिक एसी और कैमरे से। मतलब कंपनी फिटेड के रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, ऑटो एसी मिल जाता है और डीआरएल के साथ ये प्रोजेक्टर वाली एलईडी मिल जाएगी। इसका मतलब नहीं था मुझे, इसका मतलब था प्रोजेक्टर एलईडी चाहिए थी। क्यों चाहिए थे? इसके इसका थ्रो कैसा है नाइट में? हाँ A1 है, बहुत अच्छा है। अच्छा बलेनो का जो डेल्टा वेरिएंट था तुम्हारे पास पहले, तो उसमें भी जो था प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट आता था, उसका अच्छा था कि इसका अच्छा था? दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें HID थी, इसमें आपको LED मिलती है। मुझे HID का उसका पता नहीं था, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन हाँ। मुझे लाइट का मुझे सेमी 19-20 मतलब उसकी 20 लगती थी इसकी 19। और लेकिन LED तो ठीक है, व्हाइट LED मिल जाती हाँ, है प्रोजेक्टर के साथ, लेकिन बारिश में रेनी सीजन में तो दिक्कत आती है। देखो ऑब्वियसली बात है, व्हाइट है तो आपको फोकसिंग परेशान देगी, तो आप भी जानते हो। तो मतलब इसलिए आपने ये जो टॉप मॉडल है वो लिया था। एक मुझे बलेनो की लत लग गई थी, किस चीज की? ऑटोमेटिक AC की। अब वो नॉक वाली नहीं, वो चीज ठीक है, वो मुझे भी लगता है कि सही चीज है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बट उसके लिए हम जितना पैसा दे रहे हैं वो मुझे वर्थ नहीं लगता। इसलिए मैंने तुमको पहले भी सजेस्ट किया था कि जेटा वेरिएंट ले लो, क्योंकि जेटा वेरिएंट इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, लगभग सारी चीजें मिल जाती है। तो सीट एडजस्टेबल की, देखो थोड़ी कम हाइट है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। देखो इसकी हाँ हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है इसमें, ये वाली मिल जाती है इसकी। तो ये कवर अभी ये कौन से लगवाए? टॉबल वाले लगवाए? ये टॉबल टाइप के हाँ ठीक है, ये गर्मी के लिए। कितने के लगवाए थे ये? 1000 रुपए में। अच्छा चलो, अब ये गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, कुछ कमियां बताओ जरा। कमियां बहुत सारी हैं, जैसे कहाँ तक गिनोगे बताओ? अब जैसे कि है ना, गड्ढे बुड्ढे में जाती है, ये गेट ही आवाज करता है। ये तो मैं समझ गया, ये पर्टिकुलर तुम्हारे गेट में दिक्कत है, ये विंडो में दिक्कत है। थोड़ा दिखा दो व्यूअर्स को क्या दिक्कत है। ये अब मैं आपको सुनवा दिखाऊंगा, ये वाली आवाज सुन। ये जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे ही गेट में है, क्योंकि मैंने 2-3 इग्निस में देखा है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये दिक्कत है, और एक चीज थोड़ी थोड़ी झटके लेती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़ी झटके लेती है, मतलब धड़धड़ टाइप की बोलती है। झटके लेती है मतलब धड़धड़ बोलती है, मतलब सेकंड थर्ड फर्स्ट और सेकंड गियर में धड़धड़ बोलती है, मतलब वाइब्रेशन टाइप का करती है। अच्छा मतलब फर्स्ट गियर में आगे उठाते समय वाइब्रेशन टाइप का, तो ये क्लच सेट करने से हो जाएगा? वो तो सर्विस जाएगी अपने आप। हाँ क्योंकि अभी इसकी जो है एक फ्री सर्विस हो गई है 10,000 किलोमीटर वाली, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, तो अभी जो है और भी सर्विस हो जाएगी। मुझे लगता है कि जल्दी सर्विस हो जाएगी, क्योंकि 2 साल के अंदर या 20,000 किलोमीटर पर सर्विस होनी है, वो तो जो है पेड सर्विस पहले ही हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। और क्या कमियां लगी? और कमियां यही, छोटी बड़े रास्तों में आवाज़ थोड़ी कर लेती है। आवाज़ कैसी, मतलब कहाँ से आवाज़? ये तो डोर का बता दिया, रेटलिंग नॉइज है क्या? मतलब चू 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 करती है क्या? चू चू नहीं करती। अच्छा मारुति एक ऐसी अकेली गाड़ी है, चूचू नहीं करती। और बलेनो करती थी? हाँ अरे भाई साहब, उसका गॉड गिफ्ट। अच्छा और बताओ और क्या कमी है? इसका एक ही पीछे से आवाज आती है, धड़ 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 की आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। तो उसको सर्विस में चेक कराना। हाँ, बोल दिया, क्योंकि ये गाड़ी जो है मेरे जीजी के पास है, तो मैंने गाड़ी काफी चलाई है, वो भी गाड़ी 10,000 किलोमीटर से जा चल गई, उसमें कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है अभी तक। बाकी पर्टिकुलर इस गाड़ी के डोर में तो इशू है, ये मैंने इनको पहले भी बताया था। अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी और किसी को सजेस्ट करेंगे लेने के लिए? भाई अगर जो बंदा स्विफ्ट लेने जा रहा है मारुति की, एक बार इस गाड़ी को पहले चला के घुमा के, डीलर से बोलते 10 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लूंगा, पर चला के मन भर लेना, उसके बाद एक बार तरफ जाना। मतलब स्विफ्ट लेने वाले अगर टियागो कोई ले रहा है तो टियागो ले रहा है कोई, तो इसकी वजह क्या दिक्कत है? क्योंकि इसका इंजन, इसका ऊंची है और इंजन 1200 cc का 4 सिलेंडर
इंजन के बारे में बताओ यार। देखो इंजन के बारे में मैंने बहुत तारीफ की है, अब लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही तारीफ कर रहा है, तो मुझे बताओ इंजन कैसा है इसका। देखिए मारुति का जो इंजन है ना बीबीटी वाला, वो मारुति 2006 में लाई थी। इसमें डुअल जेट नहीं है। हाँ डुअल जेट नहीं है, बीबीटी वाला इंजन है, जो पुराने इंजन पर शिफ्ट वगैरह में आता था वही वाला इसके अंदर इंजन है। तो मारुति सबसे पहले मारुति ये वाला इंजन था फोर सिलेंडर का, 2006 के अंदर शिफ्ट के अंदर आया था। तो मारुति ये वाला इंजन शुरू से ही लेके आ रही है, और मारुति का ट्रस्ट है इस इंजन के ऊपर, साइलेंट बिल्कुल है। नहीं ट्रस्ट के अलावा इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया है ना, बिल्कुल साइलेंट। अगर आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ एक बार आपको, अगर आप इंजन नॉइस सुन लो तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये तो हमेशा ऐसे ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा रिफाइन और स्मूथ है। आपको एसी के ब्लोअर की आवाज आएगी, अन्यथा किसी की आवाज नहीं है। मैं ब्लोअर कम कर देता हूँ, ये ब्लोअर कम हो गया, इसको लो कर दो। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस तरह का मिलता है इसमें, तो इसलिए भाई ने ये देखिए बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं है, केवल ब्लोअर की आवाज है। कंपनी फिटेड यहाँ पर जो है कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है, और DRL के साथ में LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हेडलाइट में। सारे दिन में भी ऐसा रखेगी, देखो लाइट। और इसका व्यू भी काफी अच्छा है, मतलब व्यू भी जो है ना, अगर चला रहा है कोई बंदा तो मतलब व्यू भी थोड़ा सा बोनट दिखता है, ज्यादा तो नहीं दिखता लेकिन बोनट दिखता है। तो चलो अब चलते हैं, चलते हुए बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है बाहर, चलते गर्मी की दवाती अलग है भाई। यहाँ टेम्परेचर 42+ हो गया है, तो गाड़ी को अगर करते हैं रिवर्स और चलते चलते बात करते हैं। तो मतलब और किसी को सजेस्ट करोगे, मतलब जो स्विफ्ट पे जा रहे हैं, टियागो पे जा रहे हैं, 8 लाख का है ना, जो 9 लाख का भी है, मैं ये कह नहीं भाई 9 लाख पे तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि टॉप मॉडल हर कोई ले। नहीं टॉप मॉडल की नहीं कह रहा हूँ, इसका बेस मॉडल इसका 6,35,000 का है। नहीं 6,35,000 का अब तो जो है प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि 32,000 रुपए बढ़ चुके हैं। तो अभी जो है 5,82,000 का जो है बेस वेरियंट है, अभी हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ऑन रोड आ जाता है इसका, क्या कहते हैं अपना 6.5 के समथिंग पहुंच जाता है इसका ऑन रोड बेस मॉडल। और बेस मॉडल में भाई शुरू से ही 15 इंच के आपको टायर मिलते हैं। ये काफी अच्छी बात है, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो है, तो ये खासियत है। और आपको 15 इंची टायर किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। पीछे से जो आवाज आ रही है बूट से, उसकी बात कर रहे हो, लगता है मुझे कुछ सामान डला है इसमें। सामान ही नहीं है, वो आपको गड्ढे में समझाऊंगा, अभी गड्ढे है नहीं है, आपको बताता मैं गड्ढे। तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी एकदम, मतलब कोई आवाज ही नहीं है इंजन में। और बताता हूँ मैं आपको, इस गाड़ी के अंदर एक बार मैं पुटिंग की कट्टी ले गया था, और गाड़ी ने ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 8-6 कट्टे मेरी गाड़ी में रखे थे पुटिंग की। मैं ये 50 किलो का एक कट्टा था। हाँ 50 किलो का एक कट्टा था, पुट्टी मतलब जो पीओपी। हाँ पीओपी वाली। तो भाई उसने 1% गाड़ी नहीं बोला ना वाइब्रेशन ना कुछ भी नहीं, कूलिंग जबरदस्त, सब कितने कट्टे थे, 6 कट्टे थे, मतलब 3 क्विंटल। हाँ अगर आप कहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा भाई को, वो वाली वीडियो आप देख लेना एक बार, इतनी परफॉर्मेंस। तो मतलब संतुष्ट अभी तक, मतलब इस गाड़ी संतुष्ट हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इस गाड़ी का, चलाने में अच्छी है, बढ़िया है, ऊंची है, बोनट दिखता है मुझे सामने से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊँ क्योंकि देखो मेरा बजट 8.5 के समथिंग था, तो मैंने 8 के समथिंग था, तो मैंने सोचा बलेनो तो मेरे पास है ही। चलो सीधे चलते हैं, हमारी ब्रेजा वहाँ खड़ी हुई है, ये चीज है। तो मैं देखो 8.5 लाख, चलो चलो, ज्यादा बजट मेरे पास था नहीं, और मेरे ऑप्शन सारे थे, हालांकि 8 लाख के अंदर नेक्सॉन भी आ रही थी बेस मॉडल, लेकिन यार अब कोई एवरेज था ये चीज, फिर मैंने नहीं ली इस वजह से। चलो भाई अभी तक का जो एक्सपीरियंस था ब्रजेश ने बता दिया, बाकी मैंने तो काफी ज्यादा तारीफें की है इस गाड़ी की, और ब्रजेश को छोटी मोटी कुछ एक तो शिकायत है, तो मुझे लगता है कि एक ये जो डोर वाली प्रॉब्लम है ना, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कंपनी से ही जो है इशू है, और इसका ग्लास थोड़ा खुला रहता तो वो आवाज करती है, बाकी ओवरऑल गाड़ी काफी सही है। मैं तो ये कहता हूँ किसी बंदे को, अगर देखो जो बंदा 6.5 लाख का 7 लाख का बजट है ना, एक बार इसको देख ले, शिफ्ट भी 7.5 लाख की आती है, मगर इसका शिफ्ट का रिएक्शन 7.5। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि इसका जो लुक है ना, वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आता। अब लुक जो है सब्जेक्टिव मैटर है, अब किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, फ्रंट से तो जो काफी अग्रेसिव लगती है गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका जो रियर है ना वो हर किसी को पसंद नहीं आता। तो रियर जो है ना किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो काफी सही लगती है। देखिए और टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, इवन जो सेकंड टॉप है जेटा वेरिएंट उसमें भी सेम आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। तो ये एक ओनरशिप रिव्यू था, अभी तक गाड़ी 13,000+ चल चुकी है, 5 महीने के अंदर अब जब गाड़ी 20,000 से ज़्यादा चल जाएगी तब एक और रिव्यू लेके आएंगे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, थोड़ा सा जो है आवाज़ आ रही है डोर में से, बाकी और कोई इशू नहीं है। और जो सामान रखा है, हाँ तो ये इसी की आवाज़ है,
इसमें तो देखो भाई ने पत्थर देख रहे हो आप, वो एचलिन किस के लिए रखा है आप भी समझ सकते हो, पेवर टाइल्स रख रखे हाँ, तो आवाज़ तो आएगी। तो ये एक ओनरशिप रिव्यू था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।